नाजरीन, अगर इलेक्शन का दौर दौरा है लेकिन अभी भी यहाँ पर मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में कमी नहीं आ रही है। पिछले कई एक दिनों से या हम कहेंगे कि इस महीने में कहीं एक टारगेट किलिंग्स भी हुई, उसमें राजौरी में भी एक किलिंग परसों हमने देखी, उससे पहले यहाँ पर शोपियां, उसके बाद यहाँ पर एक और टारगेट अटैक जो है वो किया गया जिसमें साउथ कश्मीर में एक बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक पर्सन को गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी अगर बात करेंगे, यहाँ पर बांडीपोरा से एक खबर आ रही है जहाँ पर मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और बताया जाता है कि यहाँ पर एनकाउंटर भी हो सकता है। अभी ये फॉरेस्ट एरिया माना जाता है, बांडीपोरा का ये ऊपरी हिस्सा है जो जंगलात कहलाया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि रात में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही है कि कुछ फायरिंग के शॉट्स भी यहाँ पर सुने गए हैं और जो कॉन्टैक्ट है वो एस्टैब्लिश हुआ है। अभी फायरिंग रुक रुक कर यहाँ पर हो रही है, बताया जाता है कि एक से दो मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हो सकते हैं इन फॉरेस्ट्स में। और यहाँ पर ये भी खबरें आ रही है कि पूरे इस एरिया की नाकाबंदी कर दी गई है, जो भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील किया गया है। और यहाँ पर जो लोकल सोर्सेस हमें पता चला है कि रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। फरदोसलाई जानानवानी, जेके न्यूज, श्रीनगर।